15 अक्टूबर के करंट अफेयर। आज से मैंने कुछ अलग तरीके से करंट अफेयर्स देने की सोची है, तो आपको अगर ये मेथड सही लगता है, क्योंकि इसमें टाइम कम लगेगा और मैं मेटर ज़्यादा बता पाऊँगा जो कि सही होता है किसी भी करंट अफेयर को जानने के लिए, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अगर इसमें कोई आपको प्रॉब्लम लगती है या पहला वाला आपको सही लगता है तो उसको बताना, कि और कोई सजेशन देना चाहो तो सजेशन ज़रूर देना। पहला क्वेश्चन है रोरो सेवा से। रोरो सेवा क्या है? ये जो रोरो सेवा है यह असम राज्य ने शुरू करी है, ठीक है। रोरो की फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है रोल ऑन रोल ऑफ। यह एक तरह से फेरी सेवा है, जलमार्ग यात्रा है जो कि नीमती और माजुली द्वीप के बीच चलेगी। इस सेवा से क्या फ़ायदा होगा असम निवासियों को? इस सेवा से फ़ायदा यह होगा कि यह सेवा जब नई थी तब लोगों को 421 किलोमीटर सड़क के द्वारा जाना पड़ता था, लेकिन इस सेवा के बाद लोगों को मात्र 12 से 13 किलोमीटर में ही ये दूरी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर असम राज्य की बात हुई है तो असम राज्य की हमें बाकी चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे वहाँ की राजधानी है दिसपुर, वहाँ के सीएम है सर्बानंद सोनोवाल जो कि बीजेपी से हैं, और वहाँ के गवर्नर है जगदीश मुखी, ठीक है। और वहाँ की बात करें राष्ट्रीय उद्यान की, तो राष्ट्रीय उद्यान काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम का काफ़ी फेमस है, जो कि एक गेंडे वाले एक सिंह वाले गेंडे के लिए फेमस है, ठीक है। और बात करें वहाँ का नृत्य कौन सा फेमस है, तो वहाँ का बिहू नृत्य फेमस है, ठीक है। और इसका क्षेत्रफल कितना है, तो इसका क्षेत्रफल है 78,438 किलोमीटर स्क्वायर। बात करें वहाँ के चीफ जस्टिस कौन है असम राज्य के, तो चीफ जस्टिस हैं अजीत सिंह, ठीक है। बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की, दूसरा क्वेश्चन है इलाहाबाद से। इलाहाबाद से क्या क्वेश्चन है? इलाहाबाद कहाँ पड़ता है पहले तो बताओ। पहले पड़ता है ये यूपी में, और यूपी के जो सीएम है आदित्यनाथ, इन्होंने इलाहाबाद शहर को प्रयागराज रखे जाने की घोषणा की है। क्या रखे जाने की घोषणा की है? प्रयागराज रखे जाने की घोषणा करी है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश की बाकी चीज़ें पता होनी चाहिए हमें। बाकी चीज़ों में क्या है, सीएम योगीनाथ हो गए, गवर्नर हो जाएगी राम नायक, और कैपिटल हो जाएगी लखनऊ, ठीक है। और यूपी का क्षेत्रफल कितना है, 2,43,286 किलोमीटर स्क्वायर, जो कि रेलवे के एग्जाम में बहुत सी बार पूछे जा चुके हैं, जो क्षेत्रफल है किसी भी राज्य के, और जो चीफ जस्टिस है किसी भी राज्य के वो भी पूछे जा रहे हैं, इसलिए मैं ये चीज़ भी मैंने एड ऑन करी है। बात करें उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य क्या है, शास्त्रीय नृत्य है कथक, ठीक है। और वहाँ की योजना भी कौन सी लॉन्च हुई है वहाँ पे, तो वो है भाग्य लक्ष्मी योजना, उत्तर प्रदेश में ही लॉन्च की गई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं ये किससे रिलेटेड है, ये रिलेटेड है एशियन पैरा खेल, जो कि कहाँ हो रहे थे, जाकर्ता में हो रहे थे, जो अभी खत्म हो चुके हैं, ठीक है। ये जो खत्म हो गए हैं, तो भारत इसमें कुल कितने पदक जीते हैं एशिया पैरा खेलों में 2018 में, भारत ने कुल 72 पदक जीते हैं, इसमें से 15 स्वर्ण हैं, जो कि इम्पोर्टेंट पूछे जा सकता है कि कितने स्वर्ण जीते, 15 स्वर्ण पदक जीते हैं, 24 रजत पदक जीते हैं और 33 कांस्य पदक जीते हैं। बात करें 72 पदकों के साथ भारत का कौन सा स्थान है, ये भी पूछा जाता है, भारत का 9वां स्थान रहा है पदक सूची में, ठीक है। पिछली बार जब भारत ने जीते थे मात्र 33 पदक जीते थे भारत ने, उसमें 3 गोल्ड 14 सिल्वर और 15 ब्रॉन्ज मेडल थे। शीर्ष स्थान पर कौन रहा है एशिया पैरा खेलों में 2018 में, शीर्ष स्थान पर रहा है चीन, ठीक है। दूसरे स्थान पर दक्षिण कोरिया, ईरान। बात करें ध्वजवाहक कौन था एशिया पैरा खेल 2018, ध्वजवाहक था मरियप्पन थंगावेलु, दोबारा बोल रहा हूँ मरियप्पन थंगावेलु एशिया पैरा खेलों में ध्वजवाहक थे। अंतिम दिन में भारत ने कितने पदक जीते, पदक जीते इम्पोर्टेंट है, अंतिम दिन भारत ने 2 स्वर्ण पदक जीते, ठीक है। पहला जीता प्रमोद भगत ने और दूसरा जीता है तनु ने, ठीक है। बात करें चौथा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, ये रिलेटेड है सबसे बड़ा मछली बाजार।
कहाँ पर है सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा मछली बाजार? टोक्यो में है। टोक्यो सबको पता है, जापान की राजधानी है, और जापान की बाकी चीज़ें हमें पता होना चाहिए, जैसे कि वहाँ की मुद्रा है येन और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर है शिंजो आबे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस योजना के तहत महिलाओं को मुफ्त में रसोई गैस कनेक्शन दिए जा रहे हैं? किस योजना के तहत ये दिए जा रहे हैं? वो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत ये सुविधा दी जा रही है। किससे रिलेटेड था ये? गैस कनेक्शन से। ठीक है, गैस कनेक्शन से। गैस कनेक्शन फ्री में किस योजना के तहत दिए जा रहे हैं? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत महिलाओं को मुफ्त में गैस कनेक्शन दिए जा रहे हैं। ये हो गया पांचवा क्वेश्चन। बात करें सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन किससे रिलेटेड है? ट्विन सिटी समझौते से। कौन सा समझौता? ट्विन सिटी समझौते से। दिल्ली सरकार ने किस सरकार के साथ ट्विन सिटी समझौते को हस्ताक्षर किए हैं? ठीक है, मॉस्को सरकार के साथ इस समझौते को किया गया है। ठीक है, अब मॉस्को की बात हुई तो बाकी चीज़ें हमें पता होना चाहिए, जो कि रूस में है। रूस की कैपिटल क्या है? मॉस्को है। और रूस जो है वो भारत से 5 गुना है क्षेत्रफल के दृष्टि से। कौन सा देश सबसे ऊपर है? वो रूस ही है। और जनसंख्या की दृष्टि से स्थान है 7वां। ठीक है, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यहाँ के राष्ट्रपति हैं, और पीएम कौन है? दिमित्री मेदमदेव यहाँ के पीएम है। ठीक है, मुद्रा क्या है रूस की? वह है रूबल। ठीक है, बात करें सेवंथ क्वेश्चन कौन सा है? यह है एक अभ्यास है, इसका क्या नाम है? इंडो कारपेट 2018। यह जो अभ्यास है किस किस के मध्य हो रहा है? इंडोनेशिया और इंडिया के मध्य। और एक कौन सा संस्करण है? 32वां संस्करण है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? दोनों देशों में बढ़ाना तथा हिंद महासागर की समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना। ठीक है, और जो आयोजन है कहाँ पर हो रहा है? ये इंडोनेशिया के बेलवन शहर में आयोजित हो रहा है। ठीक है, ये हो गया इससे रिलेटेड क्वेश्चन। जब आप इंडोनेशिया की बात आई तो इंडोनेशिया बाकी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। ठीक है, वहाँ के राष्ट्रपति जोको विडोडो। ये भी पूछे जा रहे हैं अभी रेलवे के एग्जाम्स में, तो इसलिए मैं बाकी चीज़ सब जो भी पूछे जा रहे हैं वो सब एड ऑन कर रहा हूँ करंट अफेयर में। तो राष्ट्रपति कौन है? जोको विडोडो। और वहाँ की मुद्रा है इंडोनेशियाई रुपया। ठीक है, यहाँ जकार्ता की बात हुई तो जकार्ता से हमें एक और चीज़ ध्यान में आनी चाहिए, वह है आसियान का हेडक्वार्टर। वो कहाँ पर है? जकार्ता में है। ठीक है, अब आसियान के फुल फॉर्म भी हमें पता होना चाहिए। फुल फॉर्म क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, बात करें एट्थ क्वेश्चन क्या है? ये है सुल्तान जौहर कप। ठीक है, सुल्तान जौहर कप जूनियर हॉकी टूर्नामेंट 2018 कहाँ पर हुआ है? पहले देखते थे, ये हुआ है मलेशिया में। और किसने जीता है? ग्रेट ब्रिटेन ने जीता है। और रनर अप कौन रहा है दूसरे स्थान पर? वो रहा है भारत। मलेशिया की बात करें तो मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर, वहाँ के मुद्रा है रिगत। ठीक है, और अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है किस न्यायालय ने, यह रिलेटेड है न्यायालय से। ठीक है, न्यायालय से रिलेटेड है तो किसने न्यायालय की कार्रवाई हिंदी तथा क्षेत्रीय भाषा में करने की अपील की है? तो किसने करी है? एम वेंकैया नायडू ने, जो हमारे उपराष्ट्रपति है, इन्होंने न्यायालय की कार्रवाई हिंदी तथा क्षेत्रीय भाषा में करने की अपील करी है, क्योंकि ये जो कार्यवाही है वो अभी तक इंग्लिश में होती आ रही है। ठीक है, बात करें एम वेंकैया नायडू ये कौन से नंबर के अपने राष्ट्रपति हैं? ये दो तरह से हैं, व्यक्तियों के हिसाब से देखें तो 13 नंबर के हैं और कार्यकाल के हिसाब से देखें तो 15वें नंबर के हैं। ऐसा दो का डिफरेंस इसलिए आया क्योंकि एक व्यक्ति का कार्यकाल 2 बार रह चुका है। ठीक है, तो कार्यकाल के हिसाब से 15वें नंबर के और व्यक्ति के हिसाब से 13वें नंबर के हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन किससे रिलेटेड है? यह रिलेटेड है
संयुक्त राष्ट्र खाद्य तथा कृषि संगठन से, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन में स्वर्ण पदक किसने जीता? इसमें स्वर्ण पदक जीता है सिक्किम ने, और सिक्किम ने खाद्य एवं कृषि संगठन में स्वर्ण पदक जीता है। तो ये खाद्य और कृषि से रिलेटेड कुछ अच्छा काम किया होगा इसने। वो काम क्या किया है? यह पहला राज्य जो पूर्णतः जैविक खेती करता है, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि पूर्णतः जैविक खेती करने वाला पहला राज्य कौन सा है? वो बना है सिक्किम, ठीक है। सिक्किम की बात करें तो बाकी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। वह राजधानी है तो गंगटोक, सीएम है पवन कुमार चामलिंग और गवर्नर है गंगा प्रसाद। अब सीएम पवन कुमार चामलिंग बन गए हैं, तो पवन कुमार चामलिंग इंपोर्टेंट पर्सन हो गए हैं। वो केसले हुए क्यों? क्योंकि इनका जो इनके जो है लंबे समय तक रहने वाले सीएम बन चुके हैं, ठीक है। लंबे समय तक रहने वाले सीएम कौन बन चुका है? पवन कुमार चामलिंग, जो कि सिक्किम के चीफ मिनिस्टर है, ठीक है। इलेवेंथ क्वेश्चन यदि रिलेटेड है हैदराबाद टेस्ट से, हैदराबाद टेस्ट, इसमें भारत ने वेस्ट इंडीज को कितने विकेट से हराया? इन्होंने हराया 10 विकेट से। अब 10 विकेट से हराया ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये बात है कि घरेलू मैदान में भारत की लगातार 10वीं जीत है ये, ठीक है। कौन सी जीत है? 10वीं जीत। बात करें 12वें क्वेश्चन की, ये रिलेटेड है पर्यावरण व जलवायु मंत्रालय, पर्यावरण तथा जलवायु मंत्रालय ने कितने राज्यों में राष्ट्रीय पर्यावरण सर्वेक्षण, कौन सा राष्ट्रीय पर्यावरण सर्वेक्षण आयोजित करने की घोषणा करी है? कितने राज्यों में करने की घोषणा करी है राष्ट्रीय पर्यावरण सर्वेक्षण? 24 राज्यों में करने की घोषणा करी है। अगला क्वेश्चन, अनिल कुंबले ने किस कंपनी के साथ मिलकर पावर बेट लॉन्च किया? किससे रिलेटेड है? अनिल कुंबले से, जो क्रिकेट को पसंद करते उनके लिए जाना पहचाना नाम है। तो पावर बेट किसके साथ मिलकर लॉन्च किया? माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर लॉन्च किया। और माइक्रोसॉफ्ट की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ में पता होना चाहिए, क्योंकि एक इंडियन है, उनका नाम है सत्य नडेला। जो पावर बेट है इसमें खासियत क्या है? पावर बेट में एक चिप लगी रहेगी जो कि किसी बैटमैन की पावर को चेक करेगी कितनी पावर है, ठीक है। बात करें अगले क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन है ग्रीन पीस से रिलेटेड। किससे? ग्रीन पीस। ग्रीन पीस की एक रिपोर्ट के अनुसार कोको कोला तथा एक और कंपनी है जो सर्वाधिक प्रदूषण फैलाती है, तो वो दूसरी कंपनी कौन सी है? वो दूसरी कंपनी है नेस्ले, वो कंपनी जो सर्वाधिक प्रदूषण फैलाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 15 क्वेश्चन, ये रिलेटेड है संस्कृत कोर्स। कौन सा कोर्स? संस्कृत कोर्स। तो संस्कृत कोर्स को ऑनलाइन करने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? वो कौन सा बना है? JNU। कौन सा है? JNU, जवाहरलाल नेशनल यूनिवर्सिटी संस्कृत कोर्स को ऑनलाइन करने वाला बन गया है, ठीक है। बात करें 16 क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन, T20 में 2 बार 5 विकेट लेने वाले तीसरे गेंदबाज कौन बने हैं? वो बने हैं इमरान ताहिर, ठीक है, जो कि साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी हैं। T20 में 5 बार 5 विकेट लेने वाले 2 बार 3 गेंदबाज कौन से? तो है इमरान ताहिर। इससे पहले अमर गुल ने भी ये कर चुके हैं और अजंता मेंडिस भी ये कर चुके हैं, जिन्होंने T20 में 2 बार 5 विकेट ले चुके हैं, ठीक है। तो ये थे आज के करंट अफेयर। मैंने इस करंट अफेयर में थोड़ा कुछ अलग चीज़ ट्राई करी है, आपको अगर ये चीज़ सही लगी हो तो मुझे बताना, इसको कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज जो पहले चल रहे थे उसको कंटिन्यू करेंगे। इसमें ये चीज़ फ़ायदा हो जाएगी क्योंकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ आपको बता, ज़्यादा चीज़ आप सुन पाएंगे। अगर आप लिखते होंगे तो आप लिख लेंगे, अगर सुनने के लिए ही आप वीडियो प्ले करते हैं तो सुन लेंगे, ठीक है। लिखने के लिए मैं बोलता हूँ तो आप उसको लिख सकते हैं, और मैं जब इसको पूरा लिख लिख के समझाऊंगा, जैसे मैं पहले समझाता था तो क्या वीडियो लंबा खींचता था और मैं उस ज़्यादा एड ऑन नहीं कर पाता था, बट इस चीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा एड ऑन कर पाऊंगा ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर सुन पाए, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन कर पाए। तो बताना अगर ये वीडियो आपको सही लगता है, इसको कंटिन्यू करेंगे। बाकी देख मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।